जिस तरह से बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, उन सभी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जो विभिन्न हलकों में जायज़ा लिया जा रहा है, बाढ़ को देखते हुए बाढ़ प्रबंधनों का जायज़ा लिया जा रहा है, उसी दौरे में आज कैथल की एसडीएम कमलप्रीत कौर द्वारा जो कैथल की विभिन्न ड्रेनों का दौरा किया गया, जहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और तमाम बाढ़ प्रबंधन कार्यों का जायज़ा लिया गया कि किस तरह से जो है कार्य किया जा रहा है। तमाम दिशा निर्देश देते हुए एसडीएम कमलप्रीत कौर ने अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं कि सभी तरह की कार्रवाई जो कार्य हैं वो तमाम इंतज़ाम अधिकारियों द्वारा कर समय रहते कर लिए जाएं, ताकि बरसाती मौसम आने से पहले बाढ़ प्रबंधनों का पूरी तरह से कार्य किया जा सके, ताकि किसी प्रकार की आने वाली दुविधा का सामना न करना पड़े, ताकि सभी कार्य समय पर किए जा सकें। इन सभी आदेशों को एसडीएम कमलप्रीत कौर द्वारा अधिकारियों को दिए गए और विभिन्न शहर की ड्रेनों का जायज़ा भी लिया गया। आज के दौरे देखिए, अभी अपकमिंग रेनी सीजन है, उसके लिए हर साल ये फ्लड वर्क्स की इंस्पेक्शन की जाती है। कुछ नए फ्लड वर्क्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और जो हमारे मेन ड्रेन जो जा रहे हैं उनकी डीसिल्टिंग और क्लीनिंग वगैरह की जाती है, ताकि बारिश के दिनों में शहर में पानी इकट्ठा ना हो, सुचारू रूप से ये बह के चला जाए। तो उसी एजेंडा को लेके आज ये इंस्पेक्शन थी, ताकि चेक कर लिया जाए कि हम आने वाले रेनी सीजन के लिए तैयार हैं या नहीं। कहाँ कहाँ दौरे किए हमने? हमने जो मेन शहर के ड्रेन्स हैं उन सबको देखा, ये अमीन ड्रेन और ग्योंग ड्रेन, इन सबको चेक किया, ताकि यहाँ से जो भी शहर का पानी है वो सुचारू रूप से निकल जाए, इसमें कोई दिक्कत ना। कोई नई व्यवस्था बनाई है शहर के लिए पानी? हाँ, अभी अमृत के कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा चालू किए गए हैं, वो भी हमने चेक किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्योंग ड्रेन के ऊपर भी इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है और यहाँ पे मेजर काम चल रहा है, फ्लड गेट भी लगेगा, ताकि पानी अगर ज्यादा भर जाए तो वापस शहर में ना जाए। तो इस बार हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे शहर को कोई प्रॉब्लम बारिश के